नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील विश्नोई जी के पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान हिस्ट्री में, लास्ट में अपने पढ़ा था खेता या क्षेत्र सिंह, उससे आगे अपन चलते हैं दोस्तों। आज अपन करते हैं महाराणा लाखा। अपन पढ़ क्या रहे थे, मेवाड़ का गुहिल राजवंश, मेवाड़ का गुहिल राजवंश, मेवाड़ का गुहिल राजवंश। अगला जो हम जो शासक पढ़ते हैं जो दोस्तों, वह महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह, महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह। राजस्थान पूछे कि चांदी की सबसे बड़ी खान, चांदी की सबसे बड़ी खान कौन सी, जावर, किसके काल में प्राप्त, लक्ष्य सिंह के काल में प्राप्त, लाखा के शासनकाल में राजस्थान में चांदी की सबसे बड़ी खान। जावर में मिली थी। पूछा है राजस्थान में चांदी की सबसे बड़ी खान कौन सी, जावर। लाखा के शासनकाल में ही, लाखा के शासनकाल में ही एक बंजारा था छीतर, छीतर नामक बंजारे ने, चित्र नामक बंजारे ने पिछोला झील का, पिछोला झील का निर्माण कराया था, पिछोला झील का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी के समकालीन मारवाड़ शासक, मारवाड़ शासक था दोस्तों समय राव चूड़ा, मारवाड़ शासक राव चूड़ा ने अपनी पुत्री का नाम था हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव लाखा, विवाह का प्रस्ताव लाखा के पुत्र, लाखा के पुत्र कुंवर चूंडा के लिए, इसका पुत्र था कौन, रणमल के साथ भेजा था। रणमल क्या है कि जैसे विवाह का नारे लेकर वहां जाएगा तो लाखा होता है शराब के नशे में, और लाखा कहता है यार अभी तो मैं ही जवान हूं, चूंडा की क्या जरूरत है, तू मेरे साथ विवाह कर दे। रणमल क्या है कि रणमल का भी दूसरा कारण था, रणमल और क्या, एक भाई का नाम था कान्हा। चूड़ा ने क्या है कि अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, बनना तो चाहिए था रणमल, नियुक्त कर दिया था किसको, कान्हा को, इस कारण रणमल भी नाराज था। तो रणमल ने इसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र तेरा यदि उत्तराधिकारी बनता है तो मैं हंसाबाई का विवाह किसके साथ करवा दूंगा, तेरे साथ। तो लाखा इसके लिए क्या हो जाएगा, तैयार। तो क्या है, रणमल ने विवाह करवा दिया हंसाबाई का किसके साथ, लाखा के साथ। लाखा ने रणमल से हंसाबाई का विवाह शुम के साथ कराने की
बात कही। रणमल ने हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र के मेवाड़ के उत्पन्न पुत्र को मेवाड़ का शासक बनाने की शर्त पर हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ करा दिया था। लाखा के साथ करा दिया था। पूछेगा हंसाबाई और लाखा से उत्पन्न पुत्र, तो उत्पन्न पुत्र था दोस्तों कौन? मोकल। उत्पन्न पुत्र कौन? मोकल। और यही बना था लाखा का उत्तराधिकारी। विवाह का प्रस्ताव आया चुंडा के लिए, कर बेटा कौन? लाखा। क्योंकि बाप ही पहुंच गया बेटे को, तो चुंडा ने कहा मेरे को तो विवाह करना ही नहीं, तो विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली। कुंवर चुंडा ने जिंदगी भर विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इस कारण दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से पूछ ले, कुंवर चुंडा को क्या कहा जाता है? कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। पूछ ले मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है किसको? कुंवर चोंडा को। 1421 में लाखा की मृत्यु के पश्चात मोकल के बाल्यावस्था में होने के कारण मेवाड़ का शासन रणमल ने संभाला था। इसी की सहायता से 1426 ईस्वी में रणमल ने मेवाड़ सेना की सहायता से मंडोर पर अधिकार किया था। नोट लगा इंपोर्टेंट करके एक और लिखना दोस्तों, सबसे इंपोर्टेंट पर्सन रणमल राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने मेवाड़ वे मारवाड़ पर एक साथ शासन किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ ले दोस्तों राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक जिसने मेवाड़ और मारवाड़ पर एक साथ शासन किया था, कौन? रणमल। तो वापस अध्ययन कर लेते हैं इसके बारे में।
लाखा के समय चांदी की सबसे बड़ी खान मिली थी कहाँ पर? जावर में। इसी के समय क्षेत्र नामक बंजारे ने एक निर्माण करवाया था किस जेल का? पिछोला जेल का। अंसाबाई का विवाह हो गया था किसके साथ? लाखा के साथ। विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी किसने? कुंवर चूंडा ने। इसलिए सुखा जाता भीष्म पिता में। 1421 में लाखा की हो जाएगी मृत्यु, तो उसके बाद में शासन संभालेगा कौन? रणमल। और इसी साधना की सहायता से 1426 ने इसने आक्रमण किया था कहाँ पर? मारवाड़ पर। अधिकार कर लिया था कहाँ पर? मंडोर पर। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक जिसने मारवाड़ और मेवाड़ पर एक साथ शासन किया, कौन? रणमल। लिखो, फिर आगे चलते हैं दोस्त। चले दोस्तों आगे। तो इस पूछे महाराणा लाखा, लाखा का उत्तराधिकारी बना था कौन दोस्तों? मोक्कल। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला शासक पढ़ते हैं दोस्तों, महाराणा मोकल। महाराणा मोकल पूछे कि महाराणा मोकल ने निर्माण तो निर्माण करवाया था दोस्तों इसने, इन्होंने एक लिंग नाथ जी के मंदिर के परकोटे का, मंदिर के परकोटे का। पूछ ले कि जीर्णो उद्धार, तो जीर्णो उद्धार करवाया था इसने त्रिभुवन नारायण मंदिर का। पूछ ले त्रिभुवन नारायण मंदिर है कहां पर? चित्तौड़ गढ़ में। चित्तौड़ गढ़ में। पूछ ले इसका नाम परिवर्तित करके इस मंदिर को वर्तमान में मोकल का समधीश्वर मंदिर कहा जाता है। पूछ ले कि विवाह, विवाह पहला विवाह किया था इसने किसके साथ? कमलावती के साथ। दूसरा पूछ ले जाए दोस्तों, दूसरा विवाह किया था सौभाग्य देवी के साथ। पूछे उत्पन्न पुत्र, तो उत्पन्न पुत्र था दोस्तों किसने? उत्पन्न पुत्र थे इसके महाराणा कुंभा। उत्पन्न पुत्र दोस्तों कौन? महाराणा कुंभा। पूछ ले युद्ध, तो इसने युद्ध किया था दोस्तों रामपुरा का युद्ध। पूछ ले कब? तो रामपुरा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1428 ईस्वी में। पूछे किस किस के मध्य? तो महाराणा मोक्कल और नागौर सूबेदार। फिरोज खां के मध्य। पूछ ले विजय किसकी? तो विजय हुई थी दोस्तों महाराणा मोकल की। विजय किसकी? महाराणा मोकल की। पूछ है कि मोकल की हत्या मोकल की हत्या तो दोस्तों मोकल की हत्या हुई थी 1433 ईस्वी में
गुजरात अभियान के दौरान एक पासवान के पुत्र, पासवान के दो पुत्र थे, चाचा और मेरा ने की, पूछ लेंगे हत्या की किसके कहने पर। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है दोस्तों, यह हत्या इन दोनों ने महपा पंवार के कहने पर की थी, महपा पंवार के कहने पर की थी। पूछेगा रणमल की हत्या, रणमल की हत्या, रणमल क्या है कि मेवाड़ के शासन में जब ज़्यादा हस्तक्षेप करा तो महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने रणमल की प्रेमिका, प्रेमिका का नाम था दोस्तों भारमली, भारमली से करवाई थी। तो दोस्तों ये प्रेमिका प्रेमिका कोई काम की नहीं है, आदमी की कभी भी मौत आ सकती है, एक मिनट पलटते हुए टाइम लगती है। तो किए ये बेचारे की हत्या, तो ये अपशासक था महाराणा मोहकर, निर्माण करवाए थे इंगलिंगनाथ जी के मंदिर के परकोटे का, जीर्णोद्धार त्रिभुव नारायण मंदिर, वर्तमान नाम है मोकल का समधीश्वर मंदिर, पहला विवाह कमलावती के साथ, दूसरा सौभाग्य देवी, उत्पन्न पुत्र महाराणा कुंभा, रामपुर का युद्ध 1428, महाराणा मोकल और सूबेदार फिरोज खां के मध्य, विजय किसकी, मोकल की, मोकल की हत्या 1433 में, करने वाला कौन, चाचा और मेरा, करवाई किसने, मेपा पंवार ने। पूछे रणमल की हत्या किसने की थी, तो रणमल की हत्या करवाई थी महाराणा कुंभा ने भारमली के हाथों से। तो अगला अपन दोस्तों जो पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण शासक, वो अपन शुरुआत करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। तो आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके इसका। बाकी अपन मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में महाराणा कुंभा के इतिहास के साथ। धन्यवाद।